with warm greetings to all the nalandians today we are going to discuss chapter number 15 of our maths book and the name of the chapter is patterns and children we are starting from page number 100 of our maths book children you must be wondering what are patterns actually patterns hote kya hai? when things are arranged following a rule in a specific order they make a pattern अगर हम इसका मतलब समझे बच्चों तो इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को अरेंज करते हैं किसी भी सीक्वेंस में कोई भी रूल फॉलो करके तो जो डिजाइन उससे बनता है चिल्ड्रन तो उसे हम पैटर्न बोलते हैं जैसे कि आप अभी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं शेप्स का और नंबर्स का एंड अल्फाबेट्स का चिल्ड्रन जैसे कि नंबर्स को इन्होंने अरेंज किया है एक सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में क्या रूल फॉलो हुआ है बच्चों यानी कि यहाँ पर फाइव फाइव का गैप दिया गया है जैसे फर्स्ट नंबर फिफ्टी फाइव लिखा है का 60, digits, 65, इस तरीके से ये पैटर्न जो आगे चलेगा बच्चों इट विल बी सेवेंटी फिर हम फाइव को स्किप करेंगे 75, five, 80. इसी तरीके से एल्फाबेट का पैटर्न से चिल्ड्रन यहाँ पर एच ओ एच ओ एच अब हम इस पैटर्न को अगर आगे कंटिन्यू करें तो बच्चों क्या रूल फॉलो हो रहा है पहले एच लिख रहे हैं फिर ओ लिख रहे हैं फिर एच लिख रहे हैं फिर ओ देन एच अगेन ओ एच एंड ओ तो ये पैटर्न जो है हमने आगे कंटिन्यू कर दिया इस रूल को फॉलो करके कि पहले एच लिखा है देन वी हैव टू राइट ओ सिमिलरली पैटर्न बच्चों शेप्स में भी हो सकते हैं एज यू कैन सी दैट दिस इज अ टिल्टेड स्क्वायर ये एक स्क्वायर है बच्चों देन सर्कल फिर अगेन स्क्वायर देन सर्कल तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे अगेन अ स्क्वायर देन अ सर्कल अगेन स्क्वायर बच्चों ये है एग्जाम्पल डिफरेंट पैटर्न के पैटर्स आप शेप्स में भी देख सकते हो एल्फाबेट्स में भी देख सकते हो एंड नंबर्स में भी चिल्ड्रन अगर अब हम ये पिक्चर देखे तो आप देख सकते हैं कि क्लोथ्स कर्टेन्स बेडशीट्स बैग फुटबॉल या फ्लोर पर भी हम डिफरेंट पैटर्न देख सकते हैं यानी के आप देख सकते हैं ये जो फ्लोर है चिल्ड्रन ये भी एक पैटर्न है जैसे कि पहले व्हाइट टाइल है देन इट्स अ ब्लैक टाइल देन अगेन व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक तो अल्टरनेट कलर से ये एक पैटर्न बना हुआ है देन यू कैन सी द बेडशीट शीट ऑल्सो चिल्ड्रन की देर इज अ स्मॉल ओवल बिग ओवल देन स्मॉल ओवल बिग ओवल स्मॉल बिग इस तरीके से कलर का भी पैटर्न है और शेप का भी पैटर्न है देन यू कैन सी ऑन द कर्टेन ऑल्सो चिल्ड्रन दैट देर आर पैटर्न्स ऑन दी कर्टन्स यानी के एक ही डिजाइन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है एंड इसी को हम पैटर्न कहते हैं चिल्ड्रेन नाउ लेट स्टार्ट विथ देशन ऑफ द जम्प स्टार्ट राज स्टार्ट जम्पिंग फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स ऑन ए नंबर्ड पाथ यानि के राज जो है वो एक ऐसे रस्ते पर चल रहा है बच्चों जिस पर नंबर्स लिखे हुए हैं और राज ने ट्वेंटी सिक्स नंबर से जंप करना शुरू किया है विद एवरी जम्प ही लीप्स ओवर फोर नंबर्स और वो जम्प करते हुए जा रहे हैं बच्चों और हर जम्प में वो फोर्थ नंबर पर स्कीप कर रहा है जैसे कि अगर वो एक जम्प लेगा अब तो वन टू थ्री फोर यानि कि ट्वेंटी सिक्स से सीधा थर्टी पर जम्प करेगा तो छ बार छलांग लगाता है जिसमें वो फोर नंबर स्किप कर रहा है तो क्या वो फिफ्टी फोर नंबर पर पहुंचेगा या नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है तो चलिए राज के साथ जम्प करके देखते हैं नंबर पे तो अभी वो ट्वेंटी सिक्स पर खड़ा है बच्चो ही स्टैंडिंग ऑन ट्वेंटी सिक्स नंबर तो वो फोर का जंप लेगा चिल्ड्रन तो वन टू थ्री फोर यानी के फर्स्ट जंप पे राज ट्वेंटी सिक्स से सीधा थर्टी पर आ जाएगा सो दिस इज आर फर्स्ट जंप ये हमारा फर्स्ट जंप हो गया चिल्ड्रन देन अब राज जो है वो थर्टी पर खड़ा है तो अब फिर से वो फोर नंबर का जंप लेगा वन टू थ्री फोर यानी कि थर्टी से अब राजर्टी फोर पर जंप लेगा ये हमारा सेकेंड जंप हो गया चिल्ड्रन अगेन वन टू थ्री फोर अब थर्टी फोर से थर्टी एट पर जंप करेगा राज दिस इज़ आर थर्ड जंप अगेन फोर नंबर्स को स्किप करके जंप करेंगे वन टू थ्री फोर सो थर्टी एट से जंप किया फोर्टी टू पर अगेन वन टू थ्री फोर फोर्टी टू से जंप किया चिल्ड्रन फोर्टी सिक्स पर देन फोर्टी सिक्स से अगेन फोर वन टू थ्री फोर यानी कि फोर्टी सिक्स से सीधा जंप होगा बच्चों फिफ्टी पर नाउलेट्स काउंट दी जम्प चिल्ड्रन फर्स्ट जम्प सेकेंड जम्प थर्ड जम्प फोर्थ फिफ्थ एंड दिस इज दम्प चिल्ड्रन सो क्वेश्चन क्या था विल ही रीच ए नंबर फिफ्टी फोर इन सिक्स सच जम्पस या क्या वो फिफ्टी फोर पर पहुंचेगा लेकिन फिफ्टी फोर पर पहुंचने के लिए उसने सेवन जम्प ले लिए सो द No, नहीं पहुंचेगा ऐसे सिक्स जम्प में चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन वी हैव स्टडीड अबाउट थ्री पैटर्न जो कि हम नंबर से भी बना सकते हैं या हम एल्फाबेट से बना सकते हैं या फिर हम किन्हीं शेप को रिपीट करके भी पैटर्न बना सकते हैं सो चिल्ड्रेन लेट सी वन मोर टाइप ऑफ पैटर्न दैट इज बेस्ड ऑन दी कलर यानी कि कलर को रिपीट करके भी हम इस पर भी बेस्ड एक पैटर्न बना सकते हैं जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर फर्स्ट ऑरेंज कलर लिया गया देन टू ब्लू कलर देन वन ऑरेंज देन टू इसी तरीके से हम इस पैटर्न को आगे रिपीट कर सकते हैं या फिर वन ऑरेंज वन ब्लू अगेन वन ऑरेंज वन ब्लू वन ऑरेंज वन ब्लू तो कलर पर बेस्ड भी हम पैटर्न्स को बना सकते हैं नाउ यू नीड टू नो अबाउट द यूनिट पैटर्न चिल्ड्रन यानी कि यूनिट पैटर्न क्या होता है यूनिट पैटर्न वो पैटर्न होता है बच्चों जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है जैसे कि अगर आप इस एग्जाम्पल को लेंगे तो इस एग्जाम्पल में ये दोनों शेप्स जो हैं कलर्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं यानी कि ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ब्लू तो ये यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है चिल्ड्रन सो दिस इज दूनिट पैटर्न दिस इज द पैटर्न विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन यही वो पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं बच्चों यूनिट पैटर्न हियर चिल्ड्रन यू कैन सी एन एग्जाम्पल जिसमें की शेप्स को और डिफरेंट कलर्स को यूज किया गया है एक पैटर्न बनाने के लिए यानी कि यहाँ पे अलग अलग शेप्स ली गई हैं और अलग अलग शेप्स को अलग अलग कलर के साथ लिया गया है एक पैटर्न बनाने के लिए तो इसका यूनिट पैटर्न जो है चिल्ड्रन दैट इज दिस पार्ट यही पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है अ ब्लू स्क्वायर अ ग्रीन सर्कल एंड अ पेंटागन फिर से ब्लू स्क्वायर ग्रीन सर्कल एंड एन ऑरेंज पेंटागन सो दिस इज द यूनिट पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है इसी तरीके से आप इन कलर्स को और शेप्स को यूज करके बच्चों कोई भी अपनी चॉइस के दो पैटर्न यहाँ पर बना सकते हो सो दैट सॉल्व फॉर टूडेज वीडियो चिल्ड्रन Thank you children. Have a great day.